हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी दवा के बारे में जो आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। जी दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये बुढ़ापा होता क्या है। आजकल बच्चे लोग भी जवान होने के पहले या बचपन में ही बूढ़े दिखने लग रहे हैं। कैसे? बहुत जल्दी उनके बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो बहुत जल्दी ही ग्रे हो रहे हैं, बहुत जल्दी व्हाइटिश होते जा रहे हैं, उनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। ये सारी बीमारियां बुढ़ापे की है ना, बाल झड़ना, बाल सफेद होना। कहते यार तू तो बूढ़ा हो गया है, बाल तेरे सफेद हो रहे हैं, तो ये बुढ़ापे की बीमारी है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है जवान लोगों में भी हो रहा है, इवन बच्चे लोगों में भी ये चीजें होती जा रही है। कमर में दर्द होना, ये बुढ़ापे की बीमारी है। लेकिन आज देखो जाए तो 20-25 साल के बच्चों में भी आम, लड़कों में भी लड़कियों में भी आम हो गया एकदम से। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, ये एक बुढ़ापे की बीमारी है। लेकिन देखा जा रहा है कि बच्चे हैं वो भी चश्मा लगाए हैं, मोटे मोटे चश्मा लगा के घूम रहे हैं, ये भी एक बुढ़ापे की बीमारी थी। लेकिन आज बचपन में भी बच्चों को भी हो रही है। कान से कम सुनाई देना, चेहरे पे जो है रिंकल्स आ जाना, झुर्रियां बहुत ज्यादा पड़ना, ये भी बीमारी जो है बुढ़ापे की थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जवान लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। कमर में दर्द होना चालू हो जा रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द होना चालू हो जा रहा है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अब बुढ़ापा क्या, बच्चों में भी ये चीजें दिख रही हैं, जवान लोगों में भी ये चीजें दिख रही हैं। 20-22 साल के लड़कों में देखा तो बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ने से लोग परेशान हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों ये होता क्यों है, ये जो बुढ़ापा है उम्र के पहले क्यों हो रहा है, क्यों दिख रहा है। दोस्तों ये जो सारा फंडा है ये सब होता है हमारी फ्री रेडिकल्स के वजह से। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आप मान सकते हैं कि ये एक जहर की तरह काम करता है। आम भाषा में अगर हम बात करें, ये हमारे सेल्स को, जो हमारे सेल्स हैं आंखों की सेल्स के ऊपर, अगर इसने डिस्ट्रक्शन किया तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। दिमाग के सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सेल्स को मार देते हैं, तो वहां फिर हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, भूलने की बीमारी आम हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी में जहां कहीं भी अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहा है और वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ हम दौड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्री रेडिकल्स को कम करना है। फ्री रेडिकल्स बनता क्यों है? जो हमारी बॉडी के अंदर हम बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारे ऑयली फैटी पिज्जा बर्गर्स कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी जो चीजें हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को खराब कर दिया है, इसको खाने की वजह से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनता है। अब हमारे एक सर थे, उन्होंने एक ओल्ड लेडी है जो 90 साल की उम्र में एकदम हेल्दी फास्ट एक्टिव थी, उनसे पूछा कि अम्मा जी आप ये बताइए कि आप इतनी सेहतमंद कैसी हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि अरे भाई आप लोगों के जमाने में बहुत बदलाव आ गया है। हमारे जमाने में हम खाना घर में खाते थे लेकिन लैट्रिन करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आप लोगों के जमाने में उल्टा हो गया है। आप लोग खाना बाहर खाते हैं और लैट्रिन करने के लिए घर में करते हैं। उस माँ जी ने एक आम भाषा में इतनी बड़ी बात समझा दी कि अगर हम लोग समझे तो उससे बहुत फायदा होगा हमको। हमारा खान पीन एकदम चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गई है। आज से पहले देखा जाए कि लोग 60, 70, 80 साल तक हेल्दी रहते थे, लेकिन अगर आप ही देख रहे हैं तो 30, 35 साल में ही एकदम बुढ़ापे वाली बीमारियां आ गई। आदमी कमजोर होते जा रहा है, थोड़ा सा चल रहा है तो उसको थकान लगने लग रही है, सांस फूलने लग रहा है, आदमी कोई भी मेहनत का काम नहीं कर पा रहा है, भूलने की बीमारी आम हो गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लेकिन अगर हम देखें कि वो बुढ़ापे में पहले होती थी और अब जवानी में भी हो रही है या जवानी के पहले भी चालू हो गई है, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो और चाहे आपकी आम कोई बाहरी हेल्दी काम से रिलेटेड हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो नुकसान घटते जा रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे खान पीन, हमारे रहन सहन से हमारी बॉडी के अंदर बनता है और जो हमारे सेल्स को जाके मारता है, उसको डिस्ट्रक कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और जिस जगह के सेल्स के ऊपर इसका ये हमला करेगा उस जगह की बीमारियां हमको होती हैं, या उस वो आजा वो पार्ट हमारी बॉडी का कमजोर हो जाता है। हमारे दिमाग के ऊपर अटैक किया उन्हें तो हमारी भूलने की बीमारियां हो गई, ट्रेमर्स आना चालू हो गए, इससे पार्किंसन जैसी बीमारियां हैं। आंखों के ऊपर अटैक किया तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, कैटरेक्ट्स मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होने लगती हैं। जबान के ऊपर अटैक किया तो हमारे टेस्ट बड कम हो जाने लगते हैं, हमारी जबान बराबर से हम बोल नहीं पाते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी। हार्ट के ऊपर अटैक किया तो हार्ट कमजोर हो जाता है, लीवर के ऊपर अटैक किया लीवर कमजोर होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स कुल मिला के एक जहर की तरह है जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बनेगा तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करें दोस्तों, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमको लाइकोपेन या एंटीऑक्सीडेंट जैसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। एंटीऑक्सीडेंट में लाइकोपेन या कॉमन वर्ड्स
सामने आ जाता है। लाइकोपेन टमाटर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो लाइकोपेन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जितने भी प्रकार की बेरीज हैं, जो ब्लैकबेरी हो गई है, ब्लूबेरी हो गई है, रेड बेरी हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है बहुत बनाती है, बहुत पैदा देती है और ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। इसी तरह अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उनको खत्म करेगा। लहसुन का इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो जहर है उसको बाहर निकालता है, बॉडी को साफ करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करेगा। इसी तरह जीरा, हल्दी, दालचीनी, लौंग, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करती हैं या इससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स हैं वो कम होते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी और यंग दिखाई देती है। तो ये जितने भी मसाले हैं ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखेगी, बॉडी के अंदर जो गंदगी उसको बाहर निकालेगी और हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगी। तो ये हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में है, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं उनके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट दवाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये आंवला है दोस्तों। आंवला ये बहुत ही अच्छी दवाई है, विटामिन सी इसके अंदर सब जानते होता है लेकिन ये एक रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसमें हम आंवले का इस्तेमाल करें। आंवले के साथ साथ अगर आप हरड़ और बहेड़ा, ये त्रिफला जिसको हम बोलते हैं पाउडर, अगर मिल जाता है आप उसको डेली इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर शहद डाल के, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी बॉडी से गंदगी निकालेगा, पेट साफ रहेगा, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपका बाल है वो जल्दी झड़ेगा नहीं, बाल मजबूत होंगे, बाल काले रहेंगे और मतलब कुल मिला के आपकी टोटल बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और बॉडी हेल्दी और यंग दिखाई देगी। तो इसका आप इस्तेमाल जरूर करिए। इसी तरह बहुत सारे रसायन आयुर्वेद में बोला गया है, ब्राह्मी रसायन है अगर दिमाग कमजोर है तो ब्राह्मी रसायन है, त्रिफला रसायन है जो आंखों को लीवर को ताकत देगा, च्यवनप्राश ये भी एक रसायन है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, सब लोग जानते हैं च्यवनप्राश के बारे में, इसका भी जो मेन कंटेंट है वो आंवला है। कुष्मांड रसायन, कुष्मांड मतलब ये पंपकिन से बना हुआ एक आयुर्वेदिक दवा है जो भी ये हमारी बॉडी के अंदर एक टॉनिक की तरह काम करता है। रसायन जो भी कहा जाता है कि एक केमिकल होता है, तो ये आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, ये रसायन जितने हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, ये केमिकल नहीं, ये एक प्रिपरेशन है आयुर्वेदिक दवाइयों का, ये एक टॉनिक की तरह काम करेगी और बुढ़ापे जैसी बीमारी को बॉडी के अंदर जल्दी आने नहीं देगी और आपको यंग और हेल्दी रखेगी। तो कुल मिलाकर क्या करना है, आपने हेल्दी खाना लिया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का और घर के जो मसाले हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो आप बुढ़ापे से बहुत आसानी से जो है आप रोक सकते हैं, या आप बच तो नहीं सकते हैं लेकिन आप बहुत उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी और यंग रख सकते हैं। बुढ़ापे में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप जवानों की जैसी फीलिंग आपको मिलेगी दोस्तों। तो इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल करिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए।